मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर जिले के अभनपुर केंद्री के पास कार दुर्घटना में 5 महिलाओं की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया है। ये महिलाएं भिलाई से राजिम पन्नी मेले में शामिल होने जा रही थी। कार के डिवाइडर से टकराने से यह हादसा हो गया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है और साथ ही इस दुर्घटना में घायल ड्राइवर को बेहतर इलाज के लिए सुविधा उपलब्ध कराने और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यूपी चुनाव के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन द्वारा बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने पर उनकी टीम यूपी में पूरी तरीके से सक्रिय है। उनके बहुत ही करीबी में से एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद को शुरुआत से ही यूपी भेजकर महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व दिया गया, जिसे निभाते हुए आज भी संसदीय सचिव उत्तर प्रदेश में तैनात हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर यूपी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कि पार्टी संगठन जमीनी स्तर पर हर तरीके से मजबूत नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में यही मॉडल अपनाया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर जबरदस्त जीत हासिल की थी। हमारे क्षेत्र के माननीय हमारे विधायक है और विधायक को संगठन ने स्टार प्रचारक बना के यूपी में भेजा है और संगठन यह चाहता है कि हमारे विधायक अच्छा ऊंचा स्थान प्राप्त करे और संगठन विधायक का जो नाम आगे चले और वो अच्छा काम किया, इसलिए उसे स्टार प्रचारक बना के भेजा गया। वहाँ छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है उसी मॉडल के अनुसार में स्टार प्रचारक बना के भेजा है और छत्तीसगढ़ में जो भूपेश सरकार ने जो लागू किया गया था उसी मॉडल से ही वहाँ प्रचार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं संचालित हो रही और आम जन को जिसका लाभ मिल रहा हो, चाहे किसान का कर्जा माफ हो, बिजली बिल हाफ हो, धान का समर्थन मूल्य, तो उत्तर प्रदेश में भी धान का समर्थन मूल्य की बात 2500 रुपये हुई है, गन्ना के 400 रुपये की बात हुई है, बिजली बिल हाफ की बात हुई है और कोरोना के संक्रमण के समय जो परिवार खत्म हुए उनके परिवार को भी आर्थिक सहायता देने की सरकार की बात है। तो निश्चित ही आज जो परिवर्तन की बयार है वो छत्तीसगढ़ आज पूरे यूपी नहीं पूरे हिंदुस्तान में बोल रहा है। जगदलपुर कलेक्टर रजत बंसल द्वारा संजय गांधी वार्ड के 42 निवासियों का आवास योजना के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर उनको दिया गया, जिसमें वार्ड वासियों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका भी दिया गया। कलेक्टर बंसल ने खुद सभी हितग्राहियों से एक एक कर मुलाकात भी की और विस्तृत तरीके से जानकारी ली। साथ ही हितग्राहियों का बयान दर्ज कर अनुविभागीय अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। प्रशासन ने सुनवाई के दौरान कार्रवाई का वीडियोग्राफी भी करवाई। संबंधित जो कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कई हफ्तों से, उनकी विस्तृत व्यक्तिगत सुनवाई कलेक्ट्रेट में रखी गई थी। लगभग 41 महिलाएं इसमें शामिल हुई थी, जिसमें हमने उनसे निवेदन किया था 3 दिन पहले कि अपने सभी दस्तावेज लेकर के आएँ, खासतौर पे क्योंकि इनका सबका प्रधानमंत्री आवास संबंधित मांग है, तो जो इनका कब्जा है, जो व्यवस्थापित की कैटेगरी में ये लोग अपने आप को क्लेम कर रहे हैं, तो उसको लेकर के दस्तावेज लाएँ। हालांकि दस्तावेज इनके द्वारा अभी नहीं लाए गए हैं आज, बट इनका हमने विस्तृत रूप से बयान लिया, सभी पहलुओं पर बयान लिया गया और इन बयानों को पूरी तरह से दस्तावेजीकरण किया गया। आने वाले समय में जिला प्रशासन इन बयानों को देखते हुए अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और बस्तर पुलिस अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आज अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों पर गांजा तस्करी के दौरान कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बताएं कि थाना नगरनार को सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति अवैध रूप से गांजे को लेकर उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर जा रहे हैं। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग ने 2 तस्करों को धर दबोचा है। उक्त टीम के द्वारा धनपुंजी में मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग के एक अल्टो कार को जो है रोककर चेक किया गया, जिसमें जो है 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले।
इनसे पूछताछ करने पर इनके द्वारा अपना नाम सावरमल लोहार और चेतन स्वर्णकार दोनों निवासी भीलवाड़ा राजस्थान क्षेत्र का होना बताया गया, जिनके अल्टो कार की तलाशी लेने पर उक्त कार में जो है 60 किलोग्राम अवैध गांजा मिला। मोगरा में इसी सत्र से संचालित हो रहे नवीन महाविद्यालय में कमरों की कमी हो रही थी, जिसको देखते हुए यहां 4 अतिरिक्त कक्ष के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया है, जिसकी लागत मूल्य जो 9.60 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय कटघोरा विधानसभा के विधायक पुरुषोत्तम कंवर मौजूद रहे। हमारे बाकी मोगरा उत्तर महाविद्यालय के हमारे SMDC के अध्यक्ष ध्रुव कुमार यादव जी ने मांगे रखी है, उनकी मांगों पर हम लोग विचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनकी जो मांगे जाएगी उनको हम आगे चल के उनकी सभी मांगों पर पूर्ति की जाएंगे। छात्र संगठन NSUI के बैनर तले गवर्नमेंट PG कॉलेज के छात्रों ने शहर में शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली, जो PG कॉलेज पहुंची और ज्ञापन भी उनके द्वारा सौंपा गया। छात्रों ने ऑनलाइन एग्जाम कराने की मांग की है। उनका कहना है कि शैक्षणिक सत्र में सिर्फ 15 दिन कक्षाएं लगी हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, प्रैक्टिकल सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है, कोरोना काल होने से ऑफलाइन कक्षाएं नहीं लगी है, अब परीक्षा ऑनलाइन ली जा रही है। उनकी मांग है कि जिस तरह की शिक्षा उन्हें मिली है वैसी ही परीक्षा। इन लोगों की जो मांगे थी इसमें एक जो लिखित रूप से जो ज्ञापन दिया है उसमें उन्होंने 21-22 में महाविद्यालय की परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कराने के लिए एक ज्ञापन दिया है, और चूंकि ये ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय के द्वारा ही होना है इसलिए इनका जो ज्ञापन है हम इसको नियमानुसार विश्वविद्यालय को प्रेषित कर देंगे। कोबरा जिले के पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, लेकिन इस मामले में अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। इस मामले में कार्रवाई के लिए परिजनों ने SP को पत्र भी लिखा है, और अमलीकुंडा में रहने वाली मानमती की हत्या उसके पति ने कर दी। हालांकि परिजनों ने अब पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की है और कार्रवाई की मांग इस मामले में की जा रही है। जो रामपुर चौकी में पदस्थ आरक्षक है निरुद्ध किरकेट्टा, वो ड्यूटी उपरांत निहारिका चौक के पास गया हुआ था, जहाँ पर कुछ लड़के थे जिनके साथ वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के बाद उस पर जांच किया गया, जांच करने पर एक काउंटर अपराध जो है ना अब पंजीबद्ध किया गया है। अनिरुद्ध के खिलाफ भी हुआ है, तो अनिरुद्ध के पर से सामने जो 3 लड़के थे उनके खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध किया गया। जांजगीर चांपा के बलौदा क्षेत्र के भिलाई गांव में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। बलौदा थाने के TI विवेक पांडे ने बताया कि भिलाई गांव के 26 साल के युवक राजेश देवांगन, जो कि मंगलवार की दोपहर घर से बाहर निकला था, शाम जब वो घर पर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन देर रात तक उसका पता नहीं चला, और आज सुबह राजेश का खून से लथपथ शव बरामद हुआ है। पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी है, छानबीन इस पूरे मामले में की जा रही है। गंडई पंडरिया नगर के वार्ड 6 में जायसवाल ग्राउंड पर क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। मैच गंडई प्रेस क्लब और नगर पंचायत गंडई के बीच खेला गया, जिसको नगर पंचायत गंडई की टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी कर एक तरफा जीत लिया। इस मैच में विजेता टीम के वार्ड 6 के पार्षद क्रांति ताम्रकार को बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। इस टूर्नामेंट में 20,000 नगद और शील्ड दी गई। वहीं दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 10,000 रुपए और तीसरे नंबर पर आने वाली टीम को 5,000 की नकदी के साथ शील्ड दी गई। आयोजनकर्ता पप्पू ठाकुर, गौरव गोल्डी अग्रवाल, आकाश अंबर यादव और रोमू तिवारी, आदिल खान, रवि जायसवाल, कालीचरण समेत माँ गंडई क्रिकेट टीम के इसमें सदस्य शामिल हैं। Jaya 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 Jaya